दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम के कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो कि कन्फर्मेटरी हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम के जो कन्फर्मेटरी सिम्टम है उसमें जो सबसे मुख्य कन्फर्मेटरी सिम्टम है वो है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है हाइट से हमेशा डरता है। अगर किसी हाइट की तरफ चला जाए या हाइट पे मतलब ऊंचाई पे पहुंच जाए, छत के ऊपर पहुंच जाए, टेरेस पे पहुंच जाए, तो वहां से नीचे देखने पर उसको बहुत डर महसूस होता है और उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं कूद जाऊँ, लेकिन कूदता नहीं है। डर उसको हमेशा बना रहता है, कहीं मैं कूद ना जाऊँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, ये इस तरह की फीलिंग आती है। तो ये एक बड़ा ख़ास सिम्टम होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का। दोस्तों इसके अलावा दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है कि जब भी पेशेंट तैयार होता है किसी फंक्शन में, किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए जहाँ पे गैदरिंग हो, तो आप जाने से पहले उसको डायरिया फील होती है, उसको महसूस होता है कि लैट्रिन एक बार हो के आऊँ। एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको महसूस होता है कि एक बार लैट्रिन हो के आऊँ फिर मैं जाऊँ, मतलब उसको अंदर से एक भय होता है, डर होता है कि लोगों के बीच में जाने पर। तो जब वो जाता है फ्रेश होने के लिए तो उसको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है दोस्तों ऐसी कंडीशन के लिए, जबकि एक हम पेशेंट को देख रहे होते हैं जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसका खास सिम्टम होता है दोस्तों डिज़ायर फॉर स्वीट्स। स्वीट्स की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है। स्वीट की इतनी ज़्यादा डिज़ायर होती है, स्वीट बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, लेकिन स्वीट से उसको तकलीफ भी होती है। ये इसका बड़ा खास सिम्टम होता है कि मीठा बहुत पसंद है लेकिन मीठा ज़्यादा खाने से उसको तकलीफ भी होती है, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है। तो ये तीसरा इसका बड़ा खास सिम्टम है। चौथा इसका दोस्तों बहुत खास सिम्टम है कि ऐसे पेशेंट को जिनको अर्जेंटम नाइट्रिकम की आवश्यकता होती है, आप देखेंगे कि उनको फ्लैचुलेंस डिसपेप्सिया की कंडीशंस होती है, मतलब अपर एब्डोमेन में उनको पेट में गैस बनना, फूल जाना, गैस रिलीज ना होना, डिस्कम्फर्ट महसूस होना अपर एब्डोमेन में, ये सिचुएशंस उनको बनी रहती है। तो ऐसे कंडीशंस के लिए ये एक बड़ा ख़ास सिम्टम होता है दोस्तों। इसके साथ साथ में पेशेंट को जो डायरिया होती है वो पालक के जैसे होते हैं, पालक स्पाइनच पालक के जैसे डायरिया होती है ग्रीन रंग की, इस तरह के सिम्टम्स आप देखने को मिल सकते हैं आपको। अगर ये सिम्टम है तो कन्फर्म मान के चलिए अर्जेंटम नाइट्रिकम देंगे, फ़ायदा होगा उससे। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा एक सिम्टम होता है कि जो पेन होता है वो होता है स्प्लिंटर लाइक पेन, जहाँ पे भी दर्द होता है स्प्लिंटर लाइक पेन आपको नाइट्रिक एसिड में भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। इसके साथ में इसमें सिम्टम क्या होता है कि स्प्लिंटर लाइक पेन के साथ साथ में जो म्यूकस और डिस्चार्ज जो होता है उसका होता है अल्सर से, या जो घाव होता है वहाँ से जो डिस्चार्ज होता है वो म्यूकस और पुरुलेंट के साथ में होता है, यानी म्यूकस के साथ साथ में जो पस का फॉर्मेशन होता है दोनों का मिक्स डिस्चार्ज होता है। ये इसकी बड़ी खास सिम्टम होती है दोस्तों। पेन के साथ साथ में जो अल्सरेटिव होते हैं, जैसे आप देखिए आँख में होता है तो आँख से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है भरपूर मात्रा में, फ्रीली होता है, बहुत ईजी वे में ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये एक बड़ा ख़ास सिम्टम होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का। अर्जेंटम नाइट्रिकम का दोस्तों एक बहुत ख़ास सिम्टम ये होता है कि उसको डिज़ायर होती है कि सुसाइड कर ले, इस तरह की डिज़ायर होती है, लेकिन सुसाइड करने से घबराता भी है, डरता भी है। तो ये एक बड़ा ख़ास सिम्टम होता है। तो दोस्तों ये 5-6 ऐसे सिम्टम हैं कि जो अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को दवा देने के लिए कन्फर्म करते हैं कि उसको दवा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं, कभी इसमें से कुछ सिम्टम मिल जाते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं कन्फर्मेटरी सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट को आप देख रहे हैं उनके अंदर में ये सिम्टम्स या इसमें से कुछ सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पर आप अर्जेंटम नाइट्रिकम सोच सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट को दवा देते हैं तो हम देखते हैं कि दवा देने के बाद में उसको वैसा आराम नहीं होता जैसा हम सोच रहे होते हैं। तो उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि कहीं न कहीं पे बीच में सोरा सिफ्रिस साइकोसिस या इस तरह की कोई मियाजमेटिक कंडीशंस उसको रोक रही होती है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं।
तो एंटी मियाजमेटिक अगर आप दवा देते हैं बीच में, तो उसके बाद फिर अगर आप अपनी दवा देते हैं वो फिर से अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या सिम्टम्स रहे हैं। पहला सिम्टम सुसाइडल टेंडेंसी, लेकिन फियर ऑफ डेथ, मरने से डरता भी है, सुसाइड करने की भी इच्छा होती है। दूसरा होता है डिजायर होती है बहुत ज़्यादा मीठा खाने की, ठीक है, लेकिन मीठा खाने से उसको तकलीफ भी होती है। तीसरा होता है स्प्लिंटर लाइक पेन, चुभने जैसा दर्द होता है, लेकिन साथ में म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज भी होता है और फ्रीली होता है, जहाँ पे भी म्यूकस या जो अल्सर्स होते हैं जहाँ पे डिस्चार्ज होता है वहाँ से फ्रीली डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट दोस्तों कि जब भी पेशेंट होता है तो वो आप देखेंगे कि कहीं पे भी जाता है, कहीं पे भीड़ भाड़ वाली जगह पे या कहीं पे एग्ज़ाम देने के लिए जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले उसको अंदर बड़ा डर होता है, भयभीत होता है, एंग्जाइटी होती है उसके अंदर में, और उसको ऐसी कंडीशन में उसको लैट्रिन महसूस होने लगती है, उसको लगता है कि लैट्रिन महसूस हो जाती है और लैट्रिन जाता है एक बार में, फिर उसके बाद वो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आने पर अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। इस पर हम कंपेयर भी कर सकते हैं जेलसीमियम के साथ में, लेकिन उसके सिम्टम्स और भी होते हैं, तो ये सिम्टम है। इसके अलावा दोस्तों स्प्लिंटर लाइक पेन मैंने आपको बताया, और जो कंडीशंस होती है उसमें पालक जैसा स्टूल होता है, ठीक है, जो डायरिया होती है बिल्कुल पालक के जैसी होती है, और जब वो डायपर पे, खास तौर से बच्चों में ऐसा ज़्यादा होता है कि डायपर पे अगर छोड़ दिया जाए तो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो ये एक कंडीशन होती है। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मीठा खाने से तकलीफ बढ़ जाती है उसकी, तो ये एक बड़ा ख़ास सिम्टम होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम के लिए। तो दोस्तों ये कुछ खास सिम्टम रहे हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के कन्फर्म करने के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों की मांग पर शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है, मैंने मैसेज कर दिया हुआ, फिर भी ये चीज़ आपको मैं कन्फर्म कर दे रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको अपना कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें शुरुआत में एक हफ्ते का करूँगा मैं। एक हफ्ते में आपको 7 मेडिसिंस, उसके साथ में होम्योपैथी के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ मिलेगा आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। और ये रहेगा आप सबके लिए, आप सबकी मांग पे, काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी।